गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.5। तो 3.5 में हमने जो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस थे वो पहले क्लास में जो 3 क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिए। आज हम फोर्थ का थर्ड पार्ट जो कि आगे जो क्वेश्चन बचे थे वो डिस्कस करेंगे। हमारे पास आज फोर्थ पार्ट, हम अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट सेम टाइम। इफ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार। दो कारें थी, हमने स्पीड ऑफ कार ए एंड स्पीड ऑफ कार बी, ए का स्पीड को एक्स बी को वाई। टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर था, 5 आवर के बाद स्पीड मल्टीप्लाई के भी, तो ये आ गया। तो जो उनको जब सब्सट्रैक्ट किया, जो उनका डिफरेंस था वो एक बार 100 रहता है। अब दूसरे केस में जो आया वो यहां से कॉमन निकाला, तो एक्स माइनस वाई इक्वल 20 सही गया, तो माइनस कॉमन इक्वल टू 0। अब इन केस 1 आवर स्पीड ऑफ कार ए स्पीड ऑफ कार बी, तो एक्स वाई एक्स प्लस वाई इक्वल 100 एक्स प्लस वाई माइनस 100 इक्वल 0। तो हमारा ये पार्ट यहां तक हो गया। अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, मैं इस वाली इक्वेशन को 1 और इस वाली को 2 राइट कर दूंगा। मुझे अब लिखना है सारे के सारे ए और बी के वैल्यूज। हम राइट कर रहे हैं सारे के सारे ए और बी के वैल्यू। तो हमारे पास ए वन की वैल्यू 1, यहां पे बी वन की वैल्यू -1 एंड सी वन की वैल्यू -20। सी वन की वैल्यू -20, वैसे ही ए टू की 1 वैल्यू आएगी, ए टू की 1, बी टू की 1 एंड लास्ट में सी टू की -100। हम वही फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा से, x अपॉन bc माइनस bc, y अपॉन ca माइनस ca। तो हमने लिखा x अपॉन bc माइनस bc, लिखा 12 21, y अपॉन ca माइनस ca, तो 12 21, लास्ट में 1 अपॉन ए बी माइनस ए बी, आ गया 12 20। हमने सारे के सारे लिख लिए बी वन सी टू, ऐसे करके सी वन बी टू। अब मुझे मल्टीप्लाई करके आंसर्स निकाले हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा एक्स अपॉन, तो जब मैं B1 C2 को मल्टीप्लाई करूंगा, B1 यहां है C2 इधर है, माइनस माइनस प्लस हो गया 100 आ गया, माइनस B2 C1 तो जब 20 आया माइनस का तो प्लस हो जाता है y अपॉन देखेंगे क्या आएगा। जब हम y अपॉन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा C1 A2, तो C1 इधर है A2 इधर, माइनस का 20 आया और C2 A1, तो C2 से इसको, तो माइनस माइनस प्लस 100 आ गया, 1 अपॉन A1 B1, तो इससे इसको A2 B1, तो माइनस माइनस प्लस होता है 1। तो हमारे पास आ गया x अपॉन 120 x अपॉन 80 एक्स अपॉन 120 वाई अपॉन 80 इक्वल्स टू 1/2। अगर इस साइड सब के सब करते हैं तो काट सकते हैं 140 और 60, तो एक्स अपॉन 60 वाई अपॉन 40 एंड 1। तो एक्स को जब लास्ट से कंपेयर किया तो 60 आंसर, वाई को कंपेयर किया तो 40 आंसर।
हमारा जो मशीन है वो यही पे ही खत्म हो जाता है। तो अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास